पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद लोकसभा सीट से राजबब्बर के नाम वापसी और शायर इमरान प्रतापगढ़ी के नाम की घोषणा के बाद मुरादाबाद कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया है। आज दूसरे दिन कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के ऑब्जर्वर हाजी सगीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इमरान प्रतापगढ़ी को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए चुनाव न लड़ाने की हुंकार भर दी और पैसे लेकर चुनाव लड़ने की बात कही। मुरादाबाद लोकसभा सीट से पहली लिस्ट में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर के नाम की घोषणा के बाद मुरादाबाद के कांग्रेसी फूले नहीं समा रहे थे। मुरादाबाद में उनके रोड शो की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन भाजपा ने अपने वर्तमान सांसद को यहां से उम्मीदवार बनाते ही कांग्रेसियों में हलचल मच गई और इसका नतीजा ये रहा कि शाम ही राजबब्बर के स्थान पर कांग्रेस हाईकमान ने मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी के नाम की घोषणा कर दी, जिसके बाद से मुरादाबाद के कांग्रेसियों ने एकजुट होकर नए नाम का विरोध शुरू कर दिया। जिला स्तर और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाईकमान के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के ऑब्जर्वर हाजी सगीर सईद खान ने इमरान प्रतापगढ़ी को बाहरी बताते हुए उनके खिलाफ विरोध दर्ज कराया और कहा कि कोई भी बाहरी आकर मुरादाबाद के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेगा और चला जाएगा। प्रतापगढ़ी ने 15-20 लाख रुपए लेकर स्थानीय कांग्रेसियों के साथ खिलवाड़ किया है। मुरादाबाद कांग्रेस के लोग अपनी बात पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी ज्योतिराज सिंधिया के सामने रखने जा रहे हैं। आज तक वो बंद कमरे में मीटिंग कर विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन कल से कांग्रेसी सड़क पर उतर कर इमरान प्रतापगढ़ी का विरोध करेंगे। सदारत में यहाँ एक मीटिंग तमाम कांग्रेस जनों की, जो मुरादाबाद के जिम्मेदार और बड़े बड़े कांग्रेसी हैं, जैसे 85,000-80,000 लोगों के दिलों की धड़कन भाई हमारे रिजवान कुरैशी जी हैं, इफ्तिखार अंसारी साहब ने हमारे हजारों वोट लिए, सलीम अख्तर साहब हैं, मुमताज़ कुरैशी साहब अध्यक्ष हैं, NSUI के अध्यक्ष हैं राजेश पाल जी, जमाल नासिर साहब, नितिन शर्मा जी तो व्यापारियों के अध्यक्ष हैं और तमाम बहुत बड़े बड़े कांग्रेसी यहाँ मौजूद हैं। और वो उन्होंने इसीलिए आज बवाल हुआ कि भैया इसमें मीटिंग बुलाई जाए, मीटिंग बुलाई उन्होंने पंडित देशराज शर्मा जी ने, हम भी उसमें आए। तो हाँ, हम भी मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस से पहले, तो हमने यही बात रखी कि भाई बाहर का कैंडिडेट कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। जब कांग्रेस जनों में इतनी गुस्सा है तो भाई आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा कांग्रेस प्रत्याशी का, जिसे 500,000 वोट भी नहीं मिलेंगे। लोगों ने 10-20 लाख रुपया लेकर, मुरादाबाद के कुछ नेताओं ने उनको जो है पैराशूट से यहाँ उतरवा दिया पैसा खाकर। अब वो दो चार जो नेता है पैसा खाकर जिन्होंने उतारा है, उनकी कोई अहमियत जनता में भी नहीं है, कार्यकर्ताओं में नहीं है, पार्टी में नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अब जब कार्यकर्ताओं की जो भावना है, हम तो भैया उसी के हिसाब से चलेंगे। अच्छा चीज, सवाल विरोध क्या बंद कमरे में होगा कि सड़क पर भी आएगा कांग्रेस? कांग्रेस आएगा, अभी तो बंद कमरे में ही है। कितने दिन बंद कमरे रहेगा? कितने दिन रहेगा बंद कमरे में? अभी देख रहे हैं बस, अगर ये कुछ गड़बड़ होता है तो अपने नेताओं से विचार करने के बाद ये जो है आंदोलन सड़क पर भी आ सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी को और हालात बहुत खराब हो सकते हैं यहाँ के। इमरान प्रतापगढ़ी को बाहर का प्रत्याशी कह रहे हैं कि राजबब्बर कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ताओं के बीच के पार्टी के अध्यक्ष है, हमारे बीच कार्यकर्ता है। इमरान फतेहपुरी जो है वो यहाँ के कोई कार्यकर्ता नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है, पार्टी है, वो कई पार्टियों से टिकट मांग रहे थे। हाँ हाँ, प्रतापगढ़ी, हाँ भाई, ये जिन लोगों ने 10-20 लाख रुपया रिश्वत लेके ये काम किया है, उन तक आई तो उन्हें मालूम नहीं। मतलब यहाँ के लोकल लोगों ने